अब मैं हाजिर हो गया हूँ और आप सबको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। मेरा सलाम कबूल कीजिए। अच्छा, वो ऐसा है कि अक्सर व बेशतर कुछ नौजवान जो हैं वो रोजगार का आज मामला है ना, तो रोजगार के हवाले से कहते रहते हैं, जावेद साहब बड़ी देर से बड़ी मुद्दत से यहाँ हूँ और रोजगार का मौका मुयस्सर नहीं। तो इसलिए जनाब मनाजर हसन है एक शहजादे हमारे माराथोना से, उस मनाजर हसन ने कहा है कि जावेद साहब हमारे पास काम है तकरीबन 15 अफराद का, 15 अफराद के लिए रोजगार मुयस्सर है। अब देखते हैं कि कौन कौन सा शहजादा आपका हक है, क्या के ये काम मेरे लिए नहीं है, या ये मैं कर सकता हूँ या वो कर सकता हूँ। आप सारे मुझे बड़े प्यारे हैं, सारे सांझे हैं, सारे एक जैसे हैं। आप में से आगे कौन निकलेगा जो ज्यादा मेहनती होगा, जो ज्यादा मुशक्कत और यकीन और क्याम का रास्ता इख्तियार करेगा, तो ये अब आपने करना है। अच्छा, तफसील मैं ये बताता चलूं, मनाजर हसन का फोन नंबर भी ले लें, बशक मुझसे रब्ता कर लीजिएगा या मनाजर से रब्ता कर लीजिएगा। तो पहले सबसे जनाब फोन नंबर लिख लें शहजादे का, 6946534584। ठीक है जनाब, ये दोबारा नंबर नोट फरमा लीजिए, पंजाबी कह देना ना, 6945 6946 5345 84। ये है जनाब नंबर मनाजर हसन का, गुजरांवाले का शहजादा है और अक्सर बेशतर ना माराथोना से कहता रहता है, जावेद साहब मैं समंदर पर काम करता हूँ। तो अक्सर मालकान ये इसी शहजादे के कहने पर मैंने वो बनाई थी वीडियो के समंदरों पर चौक चौराहों में शर्म से हया से अपनी इज्जत और खुदारी से रहना चाहिए। अच्छा, आप जॉब क्या है, रोजगार क्या है, इन दिनों में पता है ना आपको ये बड़ा सख्त मामलात है, स्कूपा वगैरह का अंदेशा भी है। तो थोड़े मुख्तलिफ अल्फाज में बताता चलूं कि बेहतर ये है कि अगर आपको किसी जमींदारे पर काम मिल जाए। आप करदीचा में काम है, कल जो है सवार से चाहिए तकरीबन 6 से 7 अफराद और फिर अगले 2 हफ्तों के बाद चाहिए 10 अफराद, यानी कि तकरीबन 15 से 18 अफराद का काम है और डायरेक्ट मालिक के साथ आपका रबत है। 23 यूरो योमिया दिहाड़ है, दिन की मजदूरी है 8 घंटे की और 3 यूरो जो है फी घंटा उजरत है, यानी कि अगर आप 12 घंटे काम लगाते हैं तो 23 और 12 कितने बन गए, तकरीबन 22 32 34 35 यूरो दिहाड़ी बन जाएगी। अब आपका ये फैसला है, मालिक वो कहता है, वो जमींदार कहता है कि काम के लिए उजरत टाइम पर मिलेगी, रिहाइश मिलेगी और खाना पीना अपना होगा। ये है मुख्तसर, बाकी मैंने आपको मनाजर हसन का नंबर दे दिया। मुझसे पाकिस्तान की मिट्टी इत्तेहाद यूनान आपका अपना इदारा है, वहां आप रब्ता करना चाहें या डायरेक्ट उस बच्चे से रब्ता करना चाहें तो आपकी ये मर्जी है। कल 7 अफराद चाहिए और 2 हफ्ते बाद जो है वो तकरीबन 10 अफराद मजीद चाहिए। आप जनाब आप देख लीजिए कि आप में से किस किस नौजवान ने जाना है। हाँ, वो बता रहा था कि पहले तो मिर्च का काम है, उसके बाद मक्की का काम है और पहले सबसे जो आगाज करना है कल से काम वो है, वो जो पौधे हैं उनकी जो सफाई होती है उसमें से घास फूस निकालना, उसके फौरन बाद मिर्च है और फिर मक्की का काम है। जिन जिन शहजादों को आपने आप पर यकीन है, बिलीव करते हैं, वो कर सकते हैं तो वो फिर रजू कर लीजिए। अच्छा, आप रोजगार का ये मामला बड़ा है होता है, इसलिए फिर आप सारे प्यारे हैं तो सबको मैंने कह दिया, अब आपकी मर्जी जो जाना चाहे।